नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अभी ये खबर और जोर पकड़ रही है कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हीं खबरों के बीच दोनों पहलवानों ने चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही राहुल गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस ने फोटो भी जारी किया है। बता दें, एक दो दिन में कांग्रेस हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। वहीं कैंडिडेट लिस्ट जारी होने से पहले पहलवानों की ये मुलाकात इस बात के संकेत और मजबूत कर रही है कि पहलवान फोगाट और पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतर सकते हैं। बता दें, विनेश फोगाट पिछले दिनों में काफी एक्टिव भी हैं। उन्होंने शनिवार को किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंची थी। 12वीं क्लास के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या की कहानी उलझती जा रही है। एनडीटीवी के मुताबिक फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि उनके पास ये साबित करने के लिए अब तक कोई सबूत नहीं है कि हमलावर गौरक्षक थे या ऐसे किसी संगठन से जुड़े थे जो इस तरह के काम में लगा हुआ है। पुलिस ने आर्यन मिश्रा की हत्या में 5 आरोपियों सौरभ, अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा और आदेश को गिरफ्तार किया है। इनमें से अनिल कौशिक को हर किसी ने कथित गौरक्षक दल का सरगना बताया है। एनडीटीवी ने उसके घर और प्रॉपर्टी डीलिंग दफ्तर पर जाकर देखा तो उसके गौरक्षक होने के तथ्य गवाही दे रहे थे। द प्रिंट ने आर्यन मिश्रा के पिता सियानंद मिश्रा से बात की। द प्रिंट के मुताबिक सियानंद मिश्रा फरीदाबाद की स्थानीय जेल में गए तो उनके बेटे की हत्या आरोपी ने उनके पैर छुए और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि मेरा बेटा मुस्लिम है, अब उन्हें एक ब्राह्मण की हत्या का पछतावा है। मिश्रा ने 27 अगस्त को हत्या आरोपी और गौरक्षक दल के सरगना अनिल कौशिक के साथ हुई दर्दनाक मुलाकात का जिक्र करते हुए याद किया। द प्रिंट के मुताबिक सियानंद मिश्रा ने कहा, मैंने कौशिक से पूछा, आप एक मुस्लिम को क्यों मारेंगे? सिर्फ एक गाय के कारण? आप कार के पहिए पर गोली चला सकते थे या पुलिस को बुला सकते थे, कानून अपने हाथ में क्यों लिया? कौशिक के पास कहने को कुछ नहीं था। गौरक्षा के नाम पर गौरक्षक होने का दावा करने वालों ने आर्यन मिश्रा की हत्या की। इसको लेकर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि उन्हें बस इतना ही अफसोस है कि मार दिए जाने वाले का नाम अब्दुल नहीं आर्यन है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि राष्ट्र इस बात से स्तब्ध है कि गौरक्षकों ने एक हिंदू ब्राह्मण को मुसलमान समझकर मार डाला, जबकि राष्ट्र तब चुप रहा था जब गौरक्षकों ने गौरक्षा के नाम पर कई मुसलमानों की हत्या कर दी। राष्ट्रवादियों ने वास्तव में गौरक्षकों की धर्म के प्रति उनकी सेवा की तारीफ की। अब बहुत सारे न्यूज चैनलों और एंकरों को यह खबर देते हुए देख रहे हैं कि एक मुसलमान की जगह एक ब्राह्मण मारा गया। हाँ, एक मुसलमान की जगह एक ब्राह्मण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली में सुबह ही जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो रामबन और अनंतनाग जिलों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अनंतनाग में चुनावी रैली स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान है। बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है और कांग्रेस 32 सीटों पर लड़ रही है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आप ने 10 सीटों की मांग रखी है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात चल रही है और जल्द कोई फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात शुरुआती दौर में है और अगले 2 दिन में कोई फैसला हो सकता है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 7 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां और बढ़ गई हैं। इस बारे में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली के एलजी किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक बॉडी का गठन और किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके मुताबिक अगले आदेश तक दिल्ली के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत राष्ट्रपति के अधिकारों का एलजी इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र के इस फैसले से दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों को लेकर पहले से ही लंबा विवाद चल रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही है। दिल्ली एलजी की शक्तियां बढ़ाने वाली गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर आम आदमी पार्टी बोली है।
आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी पीछे के दरवाजे से दिल्ली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये होगा नहीं। उन्होंने कहा कि ये चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल आता है तो LG साहब काम नहीं कर रहे हैं। हजारों डॉक्टरों की भर्तियां करनी है, पद सृजित करने हैं, LG साहब उस पर बैठे हैं। हजारों बस मार्शल बेरोजगार हो गए हैं, उस पर वो बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहां शक्तियां लेने की बात है तो अधिक से अधिक शक्तियां वो अपने हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि इनका दुरुपयोग किया जा सके। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि LG विनय कुमार सक्सेना 2 करोड़ रुपए सालाना खर्च पर सोशल मीडिया कंपनी हायर कर रहे हैं। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने बदलापुर की घटना को लेकर राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला। बदलापुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। राउत ने मामले में स्कूल से CCTV फुटेज गायब होने पर राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल से CCTV फुटेज किसने गायब की, संस्था के प्रमुख ने ऐसा किया होगा, उन्होंने ऐसा क्यों किया, सिर्फ एक कांस्टेबल को बचाने के लिए या इसके पीछे कोई और रहस्य है, सरकार क्या कर रही है। यूक्रेन के पोलताबा में रूस के सबसे भीषण हमले के बाद से राष्ट्रपति जेलेंस्की की सरकार में भारी उथल पुथल जारी है। रूसी हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बीच यूक्रेन के हथियार प्रमुख समेत 4 मंत्रियों के इस्तीफे ने जेलेंस्की सरकार को हिला दिया है। इस बीच एक और इस्तीफे की खबर आ रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दुमित्रो कुलेवा ने भी अचानक त्याग पत्र दे दिया है। अब तक इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की संख्या 5 पहुंच चुकी है। बीते साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले को लेकर अमेरिका ने हमास नेता याहिया सिनवार समेत कई प्रमुख नेताओं पर मुकदमा शुरू किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि वो हमास के 6 नेताओं पर 7 आरोप लगा रहा है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों की हत्या, चरमपंथ की वित्तीय मदद देने की साजिश रचने और सामूहिक जनसंहार के हथियारों के इस्तेमाल का आरोप शामिल है। तेलंगाना की जीवांजी दीप्ति ने पेरिस पैरालंपिक में 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। साथ ही मेंस जेवलिन थ्रो F46 में अजीत सिंह ने सिल्वर मेडल और इसी प्रतियोगिता में सुंदर सिंह गुज्जर ने कांस्य पदक जीता है। मेंस हाई जंप में शरद कुमार और मिरियप्पन ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने इन खिलाड़ियों को बधाई दी है। मंगलवार की शाम भारतीय खिलाड़ियों ने 5 मेडल जीते और इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 20 मेडल जीत लिए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।